इस वक्त हम शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा में मौजूद हैं। कोलारस विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र बता रहे हैं, उनको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में जरूरी है तो क्यों जरूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये बूथ के कार्यकर्ता हैं, ये हर बूथ पर तैनात होंगे और बूथ पर तैनात होकर ये बीजेपी को एक बेहतर संकेत देने की कोशिश करेंगे। और आप अगर मेरे साथ आएंगे, देखिए ये कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का एक तरीका है कि कार्यकर्ताओं से कैसे जुड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं को अपनापन कैसे दिखाया जाता है और कैसे उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक मेरे पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी लगी, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, आइए आइए मैं आपको ले चलता हूँ। और आप देखिए कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित कर रहे हैं और किस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि ये कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और बेसिकली ये एक तरीका है प्रचार का, सिर्फ मंच से ही नहीं बल्कि मंच से उतर के भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है और अपनापन बनाने की कोशिश किया जाता है। ये देखिए अपनापन जताया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को एक बेहतर संकेत देने की कोशिश की जा रही है। देखिए उनको भी हम लोगों को बोरी बिस्तर बांध के भेजना। तो जितने भी मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता बैठे हैं, अब अगर मेरा पोलिंग बूथ खिला है तो मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता नहीं रहे, मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता मेरे सेनापति बन चुके हैं। किले और हर एक किले पर मेरे सेनापतियों की टीम, और अगर ये मेरे सेनापतियों की टीम है क्या? अरे कहां गई आवाज, है क्या? अगर ये हमारी सेनापतियों की टीम है तो मुझे बताओ सेनापति क्या करता है किले पे? किले की रक्षा करता है। और क्या करता है सेनापति? जनसेवा और रक्षा। और क्या करता है सेनापति? क्या करता है? जीत दिलवाता है, जीत। तो मेरा सेनापति जीत दिलवाता है और जनता की रक्षा और सेवा करता है। तो आज मेरे से हमें अपने पार्टी के सर सेनापति प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है तो हमारे किले पर हमें फतेह करके झंडा गाड़ के करोगे? करोगे? और इसलिए कहा जाता है मेरा बूथ सबसे मजबूत। अरे पीछे वाले लोग क्यों चुप हो गए भैया? अगर मैं इधर आ गया हूं तो पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, मेरा बूथ आगे से भी, मेरा बूथ सबसे मजबूत। अरे बूथ जीता। अरे सामने वाले बूथ जीता, मंच वाले बूथ जीता, बूथ जीता।
जीता, पुत्र जीता। और ये अगर संकल्प मेरे एक एक सेनापति ने लिया है, अगर ये संकल्प मेरे एक एक सेनापति ने लिया है तो रणनीति बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चुनाव में अगर हम हर हर महादेव करके निकले और पीछे देखें तो कोई नहीं है तो फिर काम तो नहीं चलने वाला ना। रणनीति बनानी पड़ेगी या नहीं? तो मैंने निवेदन किया था, अभी दो मिनट बैठो ना। मैंने निवेदन किया था मेरी तरफ घूम जाओ कल्याण सिंह जी से, हमारे दूसरे बोरे जी से, सुशील जी से, गुलाब सिंह जी से, हर एक पैकेट में आपके साथ। तो आपने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बूथ जीता तो सब कुछ जीता। जिस तरीके से किले की लामबंदी की जाती है, किले को सजाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये सजाने की कोशिश किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है। इस बार का चुनाव 2023 का चुनाव किसी किलेबंदी से कम नहीं है, किसी संकेत से कम नहीं है और संकेत 20 तरीके के, बस बूथ जीतो और सरकार बनाओ, चुनाव जीतो, ये संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया का। फिलहाल कैमरामैन सुधीर के साथ कोलारस से इतना ही।